बिल्डिंगा स्टेट दियां गिरवी पईयां ने, हर चीज मॉर्गेज पई है, गिरवी पई है। मैनू एक पॉलिटिशियन का घर दस दौ जिहदा घर गिरवी पिया होवे। एक जनरेशन, इफ यू मिस वन जनरेशन तो फिर जड़े तुहाडे बच्चे है ना, मैनू पता तुसीं उन्हां नूं जंड के कहने पंजाबी हो, पंजाबी बोलो, पंजाबी बोलो, वह कहना मैं बोल रहा बोल रहा की गल। मैं वो मौका मिस नहीं होने देना, जब तक मैं जिउंदा मैं इस मौके पर चौका मारांगा और सारे NRI इत्थे शेयर होल्डर बना के लियावांगा, विश्वास खड़ा करांगे। जरूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बने तो ही, हाँ चीफ मिनिस्टर को ताकत होती है, एक एब्सोल्यूट पावर होती है, लेकिन सिद्धू ने दो तीन चीफ मिनिस्टर तो भुगता ही दिते। इंतहा देखो कि किस तरह कोई बंदा रजिया पुजिया इन्ना ग्रीडी हो सकता है, इन्ना लालची हो सकता, भुखा रजदा पर भुखड़ नहीं रजदा, सोने दियां रोटियां नहीं खानियां, कि वह एक कौम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की कौम का विनाश कर सकता। जिन्नी क मेरी जिंदगी रह गई, रब ने मेरे पहले 55 साल कोई ऐसे अरमान नहीं छड़े जिन्हां नूं खंभ ना लाए ते टीसियां ते नहीं पहुँचाया, लेकिन हुण जिहड़ी इह 57 ऑनवर्ड्स जिन्नी क जिंदगी रह गई है, मैं सारी दुनिया दे पंजाबियों नूं एक गल कहना चाहुंदा कि जब तक मैं जीऊंगा तुहाडी आस और तुहाडा विश्वास टुटण नहीं देंगे, ये टुटेगा नहीं। दुनिया इहो जिहे भवां इहो जिहे शेर जो करता ना आपकी पूरी ताकत ला के करता है, कदे अधूरा नहीं करता। दूजी गल, शेरां नालों वध शेर का वह एहसास नहीं हुंदा जिहड़ा एक इंसान का हुंदा, ते इंसान दे एहसासां चों सब तो वड्डी चीज़ हुंदी है इश्क। लोग महबूबा वाला इश्क देखते हैं, मैं सूबे वाला देखता, शहीद आजम भगत सिंह वाला देखता। इश्क बदले च कुछ मंगता नहीं, माँ बाप की जिहड़ी भावना है वह बहुत वड्डी हुंदी है, क्योंकि माँ बाप दो शख्स ऐसे है जिहड़े आपदी औलाद नूं आपते तो उच्चा देख के खुश ने। वह प्रकाशा जिहड़ी है अज मेरियां रगां दे विच देश भगती बन के वलदी है, और ये देश भगती कोई आसान नहीं। मैनू कदे नहीं लग्या कि मैं ये तुहाडे लई कर रहा या किसी पंजाबी लई कर रहा, मैनू ए लगता है भी मैं इस मिट्टी का ऋण ला रहा और सब तो वध अपने लई कर रहा, आपदे लई कर रहा। मैं कदे जताया नहीं, मैं कदे किसी नूं ये नहीं किया, अच्छा लोगों को मेरे खिलाफ़ बोलन नूं कुछ हुंदा नहीं, इस करके धूड़ च टट्टू उड़ाई जाते, कोई कही जाते जी मुख्यमंत्री कोई फलाना, मतलब इत्थे काउंसलर तो उत्ते MLA हुंदा, MLA तो उत्ते फिर पता नहीं किन्ना कुछ हुंदा, ये शुरू ही मुख्यमंत्री तो करते। लेकिन मैं ये कहना कि तुहाडी मेरी सांझ किसी अहुदे दी नहीं, किसी पदवी दी नहीं, तुहाडी और मेरी सांझ बदलाव दी है। पंजाब नूं बदलना किवें है, इस बदहाली वाले पंजाब नूं खुशहाली दी राह ते लियाउणा किवें है, हर बंदा किते ना किते शिकायत करता है, हर बंदा किते ना किते कुरीतियां दसदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्नी देर लाई, मैनू ढाई गया, पर जट ने कोई शिकायत की, जो मौका आया मैं शिकस्त दी जलेबी वगू कट्ठा करके आओ मरिया बगा। ये परमात्मा भाग लाउंदा ही लाउंदा है जिहदी निष्ठा सच्ची हुंदी है। करतारपुर वाला लांघा सारे कहते असंभव है, ये संभव ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, खुलिया कि ना खुलिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ओ नहीं जी इहनूं नहीं कोई ला सकता, ये तो उतरना ही नहीं, मतलब ही नहीं, घर वाली नहीं सी नाल खड़ी, 78 MLA एक बंदा नहीं सी नाल खड़ा। तो अज लोग कहते यार पंजाब नूं नहीं बदलिया जा सकता, पंजाब च माफिया बड़ा रुलिया घुलिया है, तो माफिया एडा तगड़ा होया कि यार ये पैसे रुपये की जित है, ईमानदारी की जित नहीं। मैं कहना 57 साल च सिद्धू की पिट नहीं लगी, जे वो होया
ते ए भी तो हुंदा दिखाऊं कि पंजाब बदलेगा और बेहतरी दे लई बदलेगा और जिंदगियां पंजाब दियां बदलणगी। मैं नारायण दा सम्मान क्यों करदा, इन्ना सम्मान क्यों करदा, इन्नी इज्जत क्यों करदा, क्योंकि जे मैनूं ऐ लगदा है कि मेरे नालों वध मेरे सूबे नूं कोई प्यार करदा है ते ओह तुसीं लोग, थोनू ये कदर है और मैं थोनू पंजाब की आत्मा समझदा, क्योंकि तुसी ओ लोग हो जिन्हां नूं पंजाबी कई ये सोचते यार उत्थे जाके डिनर पार्टी कर लिए $500 ले लिए फलाना, मैं कदे नहीं किया, क्योंकि मैं थोनू फाउंटेन्स ऑफ नॉलेज समझदा, एनेबलर समझदा, मैं समझदा कि तुसी उत्थे एक बैटर सिस्टम दे विच जी रहे हो और उस बैटर सिस्टम नूं तुसी पंजाब दे विच लागू करन दे लई सब तो वड्डे सहयोगी हो सकदे हो और पंजाब दे विच बदलाव की स्थापना दे सब तो वड्डे शेयर होल्डर हो सकदे। बस गल इन्नी की है कि तुहाडा विश्वास लैके आना, विश्वास टुटिया, बहुत लोगों का विश्वास टुटिया और लीगल रेंगल्स ने, लीगल जिहदी कितें जमीन है जमीन दबी गई, जिहदा कितें कोई प्रॉब्लम है उहदी प्रॉब्लम वध गई, इस करके वह विश्वास टुटिया। लेकिन वह विश्वास इस करके टुटिया कि इत्थे लोगों ने राजनीति धंधा बना ली, राजनीति पैसे कमाण का साधन बना ली। नवजोत सिंह सिद्धू दे लई राजनीति कदे भी प्रोफेशन नहीं सी, रवजोत सिंह सिद्धू वास्ते यह राजनीति एक मिशन सी और इस मिशन का सब तो वड्डा हिस्सेदार और भागीदार और शेयर होल्डर मैं NRI भरावां नूं बनावांगा। मैं तुहानूं टक के और ठोके बोले सोनिया, ए जिन्ना माफिया इकट्ठा होया लड़ाई ते माफिया ते सिद्धू दी है, बिल्कुल लड़ाई एक सिस्टम दी है जिन्हें 27-28 साल पंजाब दे उत्ते 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा चढ़ाया, सॉफ्ट लोन करीब करीब 2.5 लाख करोड़ है, इहदा मतलब म्युनिसिपैलिटियां गिरवी ने ये किसी नहीं पता, इहदा मतलब बिल्डिंगा स्टेट दियां गिरवी पईयां ने, हर चीज़ मॉर्गेज्ड पई है गिरवी पई है। मैनू एक पॉलिटिशन का घर दस दिओ जिहदा घर गिरवी पिया होवे, मैनू एक पॉलिटिशन का घर दस दिओ जिहदी कीमत 30-32 करोड़ रुपया होवे और उहदे उत्ते 3000 करोड़ रुपये का कर्जा होवे, या चलो 300 करोड़ का ही कर्जा होवे। आ सुखे गप्पी दे किसी होटल के उत्ते 25 का कर्जा होवे तो मैनूं दिखाओ, इहदियां 2 बसां तो 6000 बणियां तो कोई बस इहदी घाटे चलदी होवे तो दिखाओ, पंजाब दियां बसां सारियां घाटे च, PRTC दियां खड़कदियां बसां दे उत्ते टैक्स, ना नीति ना पॉलिसी। ये 17 साल दे रगड़े है साहब, ये 17 साल दे घसड़े खाधे है नवजोत सिंह सिद्धू ने, सच्चाई प्रताड़ित हो जाती है पराजित नहीं होंदी, और ये 17 साल का सोना अग च तप के कुंदन बन वाला है पंजाब माडल, पंजाब नू बदलेगा 200% बदलेगा। ये सब दे सुपने का एक सांझा मॉडल है, ये मेरा नहीं ये तुहाडा भी है, लेकिन असी सारे भटक जाने, असी सारे भटक जाने जदों इलैक्शन आउंदी है। मैं देखदा गरीब बंदे नूं अपने अधिकार ही नहीं पता, 5000 च विक जांदा है, कोई दारू की पेटी च विक जांदा है। इस करके अगर NRI वीरां तों मैं कोई साथ मंगदा तो मैं ये कहना कि धर्मां चों सब तो वड्डा धर्म राष्ट्र धर्म है, इस तो वड्डा कोई धर्म नहीं। एक एक बंदा कित महल्या जाने की लड़ नहीं, एक एक बंदा 100-100 रिश्तेदार फोन करे, ठोक के करे और कवे भी ऐतकी लीडर नहीं जिता, ऐतकी पंजाब जिता, यार ऐतकी सच्चाई जितानी है, ईमानदारी जितानी है, नैतिकता जितानी है, मॉरल अथॉरिटी जितानी है, ऐतकी पंजाब नूं सेध देने वाले जिताने हैं, नहीं तो वोट नहीं पैण देनी किसी पास। हुंदा की आया कि NRI वीर फंडिंग करते रहते, इधर देते करोड़ा, इधर देते करोड़ा, मैं अज तक किसी तो 25 नहीं मंगी, क्योंकि मैं जानता कि वह देखते ही उस तरीके नाल ने। लेकिन जदों फोन कर करके रिश्तेदारियों के जो तुम ये कहने ना फलाने वोट पाए तो उस वोट में तुम कन्विंस करा जाते हो, इस तो वड्डी ताकत किसी NRI की है नहीं। और NRI लोग इस करके मनते क्योंकि एक एक पिंड सरकार दे पैसे घट दिते हुए है,
ਔਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ ਵਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਐਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਉਪਸੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਲਓ ਹੱਸ ਲਓ, ਪਰ ਤਾੜੀ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਟਿਕਾ ਕਰੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੁਗਤਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, 40 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਕਸਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਮਰਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਮਰਕਸਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 40 ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਸਿੱਟਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐੱਲ ਏ ਭੇਜੀਏ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਟਮਕਾਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕ ਗਏ ਔਰ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰੋ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਵਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਗਵਾਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਆ ਲੰਬੂ ਸਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਦਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 61 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੜੀ, 71 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਝੇਲੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, 6'2" ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਅ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੇਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ।
इन्हों दे लालच दी इंतहा देखो कि किस तरह कोई बंदा रजिया पुजिया इन्ना ग्रीडी हो सकता है, इन्ना लालची हो सकता, भुखा रजदा पर भुखड़ नहीं रजदा, सोने दी रोटियां नहीं खानियां, कि वह एक कौम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की कौम का बीनाश कर सकता है। इस करके ये मुद्दों की पहरेदारी है साहब, एक कहना रिश्तेदारी नहीं। जे मेरा अपना भी पंजाब के विरुद्ध मैनू तो मैं ठोकूँ और टका के ठोकूँ और उन्होंने कटघरे खड़ा करूँ, और मैं ये भी कहना कि जे पंजाब मॉडल तो वधिया मॉडल किसी के कोल होवे ते मैनू दवे, मैं हाथ बन के उहदे मगर तुरूंगा, जे ना तुरां ते नवजोत सिंह सिद्धू मेरा ना ना लिखो। ये पंजाब मॉडल की ताकत ही है कि लोगों लई है, ये मेरे लिए नहीं। इस करके जे तुसी पंजाब मॉडल दे विच एन आर आईयां की गल करो, मैं तुहानू तो पढ़ के सुनाया सी, दुबारा पढ़न की लोड़ है नहीं, सुन लिया सी, तुसी सुनिया सी, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है, मैं राहुल जी ने भी कहा सी कि जे ते झूठ वेच के जे झूठे सुपने विखा के सत्ता हासिल करनी है तो सिद्धू है नहीं। हाँ, जे पंजाब दे लोकां दी जिंदगी बदलन दे वास्ते सत्ता हासिल करनी है तो पंजाब मॉडल भी है और नवजोत सिंह सिद्धू भी है, नीहां दे विच चिण दिओ, ते जे उफ कर गया तो मैनूं कह। इस करके फैसला हुण इह जिहा है कि जे असी अज 100-100 फोन ना कीते, मेरी गल याद रखियो, ये सूबा रहन जोगा नहीं रहना। मैं थोनों यह दस दिया, शायद कोई होर दसूगा नहीं, घट बंदे नूं इकनोमिक्स भी आती है। मैं रात जागया और मैं 25-30 साल क्रिकेट खेडी, तो फिर जो क्रिकेट खेडी तो फिर क्रिकेट ही खेडी, सवेरे 4 बजे उठे, रात के 11 बजे तक क्रिकेट ही खेडी, फिर कमेंट्रियां कीतियां, तो सवेरे जो माइक फड़ना तो रात तक उ करना। तो जो मैं हूँ पॉलिटिक्स करदा तो मैं पॉलिटिक्स आई लिव दिस आइडिया, आई स्लीप दिस आइडिया, आई ड्रिंक दिस आइडिया, आई लिव दिस आइडिया, दिस आइडिया इज लाइक अ टाइडल वेव, इट ट्रेंचेज एवरी पोर इन माई बॉडी एंड एवरी पोर इन माई बॉडी सिंग्स दिस आइडिया। ये जनून की इंतहा है, और मैं थोनों कह रहा कि सरकार नहीं चलनी क्योंकि असी फाइनैंशियल बैंकरप्सी के कगार के उत्ते खड़े हैं। जो पिछली सरकार बनी सी तो आखिरी दिन सुखबीर बादल 32,000 करोड़ रुपया चढ़ा गया, 32,000 करोड़ रुपये का असी 225 करोड़ रुपया महीना दें, महीना। लेकिन ऐत की जो सरकार बनूगी तो GST की कॉम्पनसेशन 18,000 करोड़ रुपया साल बंद होएगी, मतलब एक महीने का 1500 करोड़ रुपया सानू जनरेट करना पड़ेगा। पहला ही 99% पंजाबी 99% पंजाबी 55,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, तेल ते टैक्स, लूण ते टैक्स, बिजली ते टैक्स, फलाना टैक्स, धमकाना टैक्स। और मैं इत्थे कांग्रेस सरकार की बहुत तारीफ करना चाहना, बिजली कटाई, तेल दे रेट, पेट्रोल दे रेट 10 रुपये घटे, लेकिन उहदा एक्सचेकर दे उत्ते वेट है 8,000 करोड़ रुपया तेल दे उत्ते पऊ, ते करीब करीब 3,3600 करोड़ रुपया बिजली का पऊ। यह सरकार चलनी किवें है, तो गरीबां दा टैक्स घटना किवें है, ये बहुत वड्डे सवाल ने साहब। इस करके जे ऐद की ये माफिया द्वारा आ गया ते पंजाब नू खोरा ला गया ते असी खत्मा, मैं अपने वालों विश्वास दवाना कि जे ये पंजाब मॉडल दे अनुसार सरकार आई ते रेते दी ट्राली 1200 रुपये तो वधन नहीं देंगा, जिहड़ी अज 10,000 नू विकदी है, 5,000 नू विकदी है, 12,000 नू विकदी है। गरीब घर पा सकूगा, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने इकोनमी खड़ी करती सी, जदों रिसेशन आया सी प्रेजिडेंट रूजवेल्ट सड़कां पा पा के उन्हें इकोनमी खड़ी करती सी, ते कल्ला रेता सानू खड़ा कर सकता 3-4 हज़ार करोड़ रुपया लिया सकता। मैं तुहानू अज लिख के दे दिना, शराब, मैं शराब के हक च नहीं जी, पर जे विकदी है तो स्टेट के खजाने जानी चाहिए है भाजी, पंजाबी तो सुखना लेक जी नहीं पी जाते, ये फैक्ट है साहब। तमिलनाडु 2002 दे विच 2,500 करोड़ रुपये कमाता जी, अभी 2,000 करोड़ कमाते, अज 20 साल बाद तमिलनाडु 37,000 करोड़ रुपया कमाता जी, 37,000 करोड़ रुपया। एको चीज़ है जी GST तो बाहर है, जिते स्टेट पैसे कमा सकता है,
वैट लाते हैं एक्साइज की चोरी घटाते हैं सारा कंट्रोल स्टेट का वह 37,000 करोड़ रुपया कमाते हैं असी 3.5 कछू भी इन्ना हौली भी तुरता जिन्ना असी तुरे हैं क्यों क्योंकि किसी को L1 दे लसेंस ने किसी को कुछ है कोई डिस्टलरियां लाई फिरता है स्टेट मरी तुरी जाता है केवल 5-7,000 करोड़ रुपये सुखबीर के दलाल चला रहे अज भी इसे मैं 75-25 कहना भी रले है एक दूजे को प्रोटेक्ट करते हैं आ देख लो तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सी यही तो है कहिंदा ट्विन इंजन आ गया जी इधर मोदी का इंजन तो इधर मेरा इंजन तेरा इंजन तो कादा सीज हो गया काला धूआं मारदा फक फक चलिया कारतूस है तू है तो अज भी इस बंदे की भुख गई नहीं मैं थोनू कहना 5-7,000 करोड़ रुपया केबल चुआ सकता 5-7,000 करोड़ रुपया और जी केबल मोनोपली बनाई है ये 450 की देंदे है जे तुम 6 MSO ला दो यदा दलाल जुझार कर दौ तो केबल 200 रुपये एक आम बंदे मिल सकती और पंजाब के खजाने 5-7,000 करोड़ रुपया आ सकता ये तो टैलीविजन ही नहीं दसते भी किन्ने ने साढ़े को 2 करोड़ टैलीविजन समझ दो मेरी गल साहब तो 2 बसा सी डब वाली दे विच असुखे कोल बादल कोल अज 6,000 ने टाइम टेबल इन्हां दे बंदे बनाउंदे आ PRTC दियां बसां दे उत्ते खड़कदियां दे उत्ते बगैर AC वालियां दे 1.5 रुपये टैक्स ज़्यादा तो इन्हां दियां वॉल्वो बसां दे उत्ते 1.5 रुपया टैक्स कट तो एक नवा बंदा आया हुण बदलाव दे थले बहरूपिया बन के केजरीवाल कहिंदा 18 साल तो उत्ते वाली कुड़ी नूं 1,000 दऊंगा क्यों भाई 17 वाली तेरी कुछ नहीं लगती 16 वाली तेरी कुछ नहीं लगती है जी क्योंकि 18 साल वाली की वोट है इस करके मैं 1,000 रुपया दऊंगा इनू यह पुछो जो सिद्धू लड़ता सी 1200 ट्राली की जो नवजोत सिंह सिद्धू रेत माफिया नाल लड़ता सी ते तू मजीठिए तो माफ़ी मंगता सी ना थुक के चढ़ता सी कि ना तकता सी दस तेरी कोई कैबिनेट दे विच एक बंदा होवे पंजाबी तेरी कैबिनेट दे विच कोई लेडी होवे 8 लाख नौकरियां कही 400 नहीं दे सके इस करके चारे पासे बहरूपीए ने साहब SYL दे उत्ते तेरा की स्टैंड है ये देश भगती खारी खत्म हो गई झूठ वेच के सरकार बनानी है इस योगदान दे विच मैं तुहानू तां कह रहा NRI भरावो मैं तुहानू तां कह रहा हिस्सेदार बनो डालर देण नालों वध लोकां नू कन्विंस करो कि भाई ईमानदारां दी जय जयकार होवे पंजाब नू बदलन वालियां नू अगे लियाईए तो जे पंजाब नू बदलन वालियां नू अगे ना लियाए तो यही माफिया आ गया यही सिस्टम आ गया तो असी मर जांगे मैं अखीर दे विच तुहानू इहो कहना इक्को गल कहनी है कि जे तुसी इह ना कीता तो नवजोत सिंह सिद्धू तुहानू हमेशा सजी बाँह समझदा तो मैं समझ लूँ भाई मेरी सजी बाँह टुट गई तो वह लग गया की कहने होंगे उन्होंने वो पलस्तर जहा लग गया तो भाई ए तुरला फिर ठीक कर लाँगे लेकिन जे मेरी सजी बाँह चली तो NRI वीर सच्चे दिलों अगे निकले डालर देने वास्ते नहीं पंजाब नूं बदल रही तो मैं कहना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जी ईमानदारा अगे नहीं लेके आएगी ठोक के कहना मैं कोई ताकत अब इंजन ऐतकी कंकड़ पत्थर नहीं तराशने हीरे तराशने बबर शेर अगे लियाने यही तरीका है तो जे ऐतकी ये मौका गवा लिया तो ईमानदार रह गए फिर शिकायत ना करो फिर किसी ईमानदार ने मुड़ के अगे नहीं आना फिर उन्हें जीवन दाद नहीं लाना फिर उन्हें उस स्टेज के उत्ते आके नहीं लड़ना जिस स्टेज के उत्ते उन्हें अपने जिंदगी दी भी योगियां वांग बंधन सारे कट के सारा कुछ छड़ के रुपया पैसा त्याग के एक पंजाब नूं बदलने की तांग लैके फिर किसी ने अगे नहीं आना इस करके सब नूं सियासी होना पऊ सब नूं खड़ना पऊ सब नूं दिन दे 3-4 घंटे लाने पैणगे घरे बैठ के नहीं आना सुते शेर के मूँह के हिरन खुद चल के नहीं आता उन्होंने शिकार करना पड़ा इस करके मैं फिर थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना खास तौर पर भाजी उन्हों का और यह जे कई होर यह जे लोग जिन्हें जज्बात फड़के अज जज्बात भी फड़के डौले भी फड़के
ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਬੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया और मैं किकिया साहब का धन्यवाद करना चाहना तय दिलों इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस के उत्ते फंक्शन अरेज किया तो मैं उस तो पहला एन आर आईया के लिए एक प्रॉपर रोड मैप पंजाब मॉडल का वो थानू दिता खास तौर पर तुम सारे ने सुने होना वो सारिया रीगल रेंगल्स असी एन आर आई कमीशन बनाने की गल की है एक सिंगल विंडो सिस्टम कि अगर एन आर आई ने इतने आना है उन्होंने किसी थाने जाना ना पवे किसी एस एस पी को जाना ना पवे किसी को धक्के ना खाने पैन एक सिंगल विंडो सिस्टम के उत्ते जाके वो अपनी गल रख सके इस करके लड़ाई नेकी पति की है धर्म धर्म की है बदलाव और माफिए की है या तो टांडे वाली है नहीं या भांडे वाली है नहीं या माफिया है नहीं तो या सिद्धू है नहीं बोले सो निहाल।